ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर फिफ्थ जो है हमारा किससे रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन आप किसका करोगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज का, ठीक है। तो देखो पहला लिखा है, पहला लाइन, व्हेनेवर अ न्यू, कब होता है ये रीवैल्यूएशन, कब हो रहा है, जब कोई नया पार्टनर इंटर कर रहा है, या कोई पार्टनर पार्टनरशिप फंड से जा रहा है, या कोई पार्टनर दुनिया से ही चला जा रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं, या हमारा जो पार्टनर्स का रेशियो है वो क्या रहा है, रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, या फर्म क्या हो रही, रिकंस्टिट्यूट हो रही। रिकंस्टिट्यूट का मतलब क्या है, पहले रेशियो क्या था आपका 3:2:1, अब रेशियो क्या हो गया 2:1:3, रेशियो बदल गया ना। तो जब आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है उसको हमने नाम दिया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यहां पर देखो एसेट लाइबिलिटी वही है ना, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स के बीच में आपस में बदल गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं, तुमसे पेपर में पूछ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पर यह बात बताई गई, ठीक है। तो यहां पर देखो कि पहली लाइन क्या कह रही है, व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, इट बिकम नेसेसरी टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऐसे केस में क्या होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप रीवैल्यू करोगे, है ना, ऑफ द फंड टू देयर ट्रू एंड फेयर वैल्यूज। ऐसा क्यों करते हो, जिससे कि उसकी सही वैल्यू को आप फाइंड आउट कर पाए, है ना। अगर आप सही वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करोगे, ऐसे केस में आपको ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, किसका, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब मान लो दो पार्टनर थे तुम्हारे पास, ठीक है ना, कल्लू एंड मल्लू, और लल्लू आ गया, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो जब लल्लू आएगा तो लल्लू क्या कहेगा, इस डेट तक, जिस डेट को तुम एंट्री किए हो पार्टनरशिप फंड, उस डेट तक का प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूट करके एसेट्स के जो आएगा, हम लोग उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं, क्यों, क्योंकि उस डेट तक के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, या जो और जो अदर चीजें हैं, उसमें आपका कोई शेयर नहीं। बात समझ में आ रही नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। दिस इज डन बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट्स माइट हैव बीन इंक्रीज। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उस डेट तक पार्टनर्स की जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, और वैल्यू, अगर वैल्यू बढ़ेगी तब तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वैल्यू कम होगी तो। अब तुम बहुत चतुर बोले, उस डेट तक का जो प्रॉफिट है, अब ये नया पार्टनर ये भी चतुर, अच्छा अगर तुम प्रॉफिट में हमको शेयर नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें लॉस में अपना शेयर दे दूं, है ना। तो ध्यान रखो कि आप केवल प्रॉफिट को ही नहीं रिसीव करोगे उस डेट तक का, आप क्या करेंगे, उस डेट पर्टिकुलर डेट तक का जो लॉस होगा उसको भी ओल्ड पार्टनर में और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बात समझ में आ रही नहीं। Thus, the actual value of the various assets and liabilities may be different from the value stated in the balance sheet. अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी दी है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, रीवैल्यूड हो गई ना। रीवैल्यूड का मतलब क्या है, फिर से वैल्यू को निकालना, एसेस करना। तो वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई कि नहीं हो गई, ध्यान रखोगे इसको। ऐसे केस में क्या होगा, उसके रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे या डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। इंटायर प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन इज डिवाइडेड B/W का मतलब बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बातें क्लियर है आपको, यहां तक सबके पास नोट्स में लिखा है। फिर आ जाओगे आप जर्नल एंट्रीज पर, एक चीज ध्यान रखोगे आप, जब भी रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे आप, ये चार बातों को आप ध्यान में रखोगे। अगर ये चार बात तुम्हारे समझ में आ गई तो तुमको रिवैल्यूएशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो चार बात कौन कौन सी, ध्यान रखो, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आपको क्या हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट को क्या करते हो रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करता है,
तो प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। फिर दूसरी बात देखो, एसेट्स है, वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये क्या शो कर रहा है, लॉस। लॉस को रिवैल्यूएशन में कहां शो करोगे आप, डेबिट। आपको पता है लॉस क्या हुआ है, कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। ये रही बात एसेट्स की। फिर लाइबिलिटीज में आ जाओगे आप, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। किसी को हमको पहले 15,000 देने थे, अब 10,000 देने, तो हमारा प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, ये कहां जाएगा रिवैल्यूएशन में। आपको पता है अभी मैंने बताया था प्रॉफिट दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही, किसी को 15 देना था 20 देना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा। तो ध्यान रखोगे दोनों लॉस डेबिट, दोनों प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है आपके, नोट्स में सारी बातें लिखी गई। एंट्री पर फोकस हो, सभी लोग ध्यान दो। देखोगे रीवैल्यूएशन करें आप किसका, एसेट्स का। अगर रीवैल्यूएशन आप करते हो तो वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, रीवैल्यूएशन के केस में। अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस होगा, लॉस कहां ट्रांसफर होगा आपका, डेबिट। बात समझ में आ रहा है आपके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ध्यान रखोगे अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा, एसेट एज अ कैसे ट्रीट करोगे आप, एसेट परचेस कर रहे हो तो एंट्री क्या पास हो रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पे नहीं कर रहे आप, है ना, कहां ट्रांसफर करेंगे उसको, रीवैल्यूएशन। वैल्यू बढ़ी ना, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अगर वैल्यू कम हो जाएगी, यही इसी एंट्री को क्या कर दोगे आप, रिवर्स कर दोगे, एंट्री पास हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट या संडी एसेट, पेपर में यहां से एंट्रियां आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी फिलहाल बात करोगे आप लाइबिलिटी पर, ठीक है यहां तक। तो चलिए लाइबिलिटी चेक करो, लाइबिलिटी पढ़ने बोला गया, नींद आ रहा है। क्या बोला गया लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है हमको क्या हो रहा है, और हमने आपको पढ़ाया लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अभी आपको पढ़ाया गया क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक आपको, ध्यान रखोगे एंट्री पढ़ो एक बार, बहुत नींद आ रही है लोग। देखोगे अगर वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो रहा है, क्या कर दोगे उसको आप, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या पास हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज, है ना। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही, प्रॉफिट हो रहा है, इसी एंट्री को क्या कर दोगे आप, रिवर्स कर दोगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत यहां तक, छापो छापो। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, कभी कभी कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज ऐसी हैं जिनको आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, रिकॉर्ड नहीं करते हो कैसे, क्या मतलब, जैसे कैसे भी हो सकता है, तो वो हमको क्या पता, वो तो क्वेश्चन बताएगा ना, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं बता दूंगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखो उस एसेट्स को आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, अगर रिकॉर्ड करोगे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तुम्हारे पास पहले कुछ नहीं था, एक एसेट्स आ गई, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका, प्रॉफिट क्या होगा, कहां पर रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। लायबिलिटी है, रिकॉर्ड कर रहे हो, पहले रिकॉर्ड नहीं था, नहीं पे करना था, अब रिकॉर्ड कर लियो, पे करना है, क्या शो कर रहा है, लॉस क्या होगा, एंट्री क्या पास करोगे, एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किए थे, अभी तुमने एंट्री पढ़ाई था एसेट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यू।
इधर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बात समझ में आ रहा है आपके? तो यहां तक बात आपको क्लियर, यही तीन एंट्री है, ठीक है। अभी ये सारी एंट्रियां मैं पूछूंगा, इसलिए जितने लोग बैठे हैं उनके मुंह पे ये एंट्री होनी चाहिए, जैसे ही मैं पूछूं मुंह से निकल जाए पर से, और अगर नहीं निकलेगा तो आपको समझावन बुझावन लाल से ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए, अब देखो आप उस रिवैल्यूएशन से आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा रिवैल्यूएशन में कहां पर होता है पता है तुमको, और लॉस कहां पर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे अगर प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, और अगर लॉस होगा तो इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे। बात समझ में आ रहा है, कैपिटल अकाउंट के जगह करंट अकाउंट भी हो सकता है, अगर कैपिटल क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए हमको, चार एंट्री है बड़ी जी, इसमें आप हो जाइए जितना जल्दी बिजी उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बात समझ रहे कि नहीं। अब रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आप देखें, ध्यान से देखिए, सबका नंबर आने वाला है आज, आज कोई बचेगा नहीं। आगे से शुरुआत करेंगे हम लोग, लेडीज फर्स्ट से। बात समझ में आ रही नहीं, देखो रीवैल डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ संडी एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट्स की वैल्यू तो लॉस हो रहा है ना, और हमने अभी पढ़ा है लॉस क्या होगा डेबिट। तो यहां से भी आप एंट्री बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं, क्या एंट्री पास हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स, एंट्री बन सकती कि नहीं, सन्ड्री एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, फिर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ी लॉस हुआ कि नहीं, ठीक है। ध्यान रखोगे अगर लॉस होगा तो क्या होगा, ये डेबिट होगा, तो एंट्री क्या पास होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री। आगे देखिए इधर, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज, है ना, आपको क्या हो गया, पेमेंट कम करना पड़ा, प्रॉफिट हो गया, एंट्री क्या पास करोगे आप, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड कर दिए हो, पेमेंट करना पड़ रहा है, लॉस होगा कि नहीं होगा, क्या एंट्री पास करोगे आप, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, एसेट्स रिकॉर्ड कर दिए हो, प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, क्या एंट्री पास करोगे आप, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बातें समझ में आ रही है आपके, प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री पास करोगे आप, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, लॉस होगा तो एंट्री क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। बातें समझ में आ रही है आपके, प्रॉफिट होगा तो कहां आता है, डेबिट में, और लॉस होगा तो कहां आएगा, किसका प्रॉफिट लॉस, ये हम लोग बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन का। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर सकते हैं आप यहां तक। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा बैलेंस शो करता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल की जो बैलेंस होगी, हमने उठा के पुट कर दिया ये और भी, ध्यान रखो ये बैलेंस किसका पुट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर, ये बैलेंस किसका पुट करोगे आप, ओल्ड पार्टनर। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, ध्यान रखोगे जो नया पार्टनर है वो पैसा लेके आएगा अपने कैपिटल का, कहां लिख देंगे आप उसको, बैंक में, फिर लिखा है ना ये देखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फिर ये जो नया पार्टनर अपनी प्रीमियम का पैसा भी लेके आता था, प्रीमियम को आप लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओल्ड पार्टनर में। फिर अगर क्वेश्चन में चेक करो जनरल रिजर्व, मतलब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है लॉस है, तो ये जो जनरल रिजर्व और ये पीएल का बैलेंस है ये क्या है आपके, ये आपकी बैलेंस शीट बताएगी,
कि जिस दिन एडमिशन हुआ है नया पार्टनर का, क्या उस डेट को जनरल रिजर्व और पीएल है, ठीक है ना। फिर रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो पांच चीजें इधर, 1, 2, 3, ये दोनों एक ही है, 4 और ये 5। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आप क्या क्या शो कर सकते हो और क्रेडिट में क्या क्या शो कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आपके? ये देखो यहां पर लिखा है टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ प्रीमियम। ओल्ड पार्टनर को प्रीमियम का पैसा दिए हो, उसका मन शॉपिंग करने का है, पैसा निकाल लिया। उसका मन कुल्लू मनाली घूमने का है, पैसा निकाल लिया, ठीक है ना। तो अगर विड्रॉल होगा अमाउंट प्रीमियम का तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। बात समझ में आ रही नहीं कार्तिके? फिर ये भी एक गुडविल है, देखो बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस कहां आएगा, डेबिट साइड आएगा ना। बात समझ में आ रही नहीं? डेबिट बैलेंस कहां आएगा, डेबिट साइड। तो गुडविल आपका क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है ना, जो बैलेंस शीट में दी गई है। इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे आप। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये आपका, डेबिट बैलेंस शो करता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे आप। फिर अगर रिवैल्यूएशन से लॉस आया है तो आप इसको डेबिट में लिख दोगे। एक साथ प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। फिर ध्यान रखो इसको टोटल कर दोगे आप सबको, ये सारे बैलेंस माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आ जाएगा वही क्या होगा आपका बैलेंस सीधी उठा के पुट कर दोगे। और इसी बैलेंस को आप ट्रांसफर करते हो, कहां पर ट्रांसफर करते हो आप इसको, बैलेंस शीट में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। पिछले चैप्टर में आपने कैपिटल एडजस्टमेंट का सवाल पढ़ा था, जहां वो आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग और क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे थे, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप उसको निकालते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको? ध्यान रखोगे ये कैलकुलेशन बैलेंस शीट को मैच करवाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे कैलकुलेशन ऑफ कैश और बैंक, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कैश या बैंक के बैलेंस, कौन से बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग का जो कैश या बैंक होगा उसको आप पुट कर दोगे। फिर यहां पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की जो कैपिटल होगी उठा के रख दो, नए पार्टनर का प्रीमियम का जो शेयर उठा के रख दो। अगर किसी पार्टनर ने प्रीमियम का पैसा निकाल दिया तो उसको माइनस कर दीजिए आप, किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉल कर दिया माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस बच गया है उसी को आप नाम दोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक। इसी बैलेंस को आप कहां शो करते हो, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहां पर, एसेट साइड। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, ये कुछ चीजें समझाने के लिए है, जरा ध्यान रखिएगा आप लोग इधर। पढ़ो भाई इसको, एसेट्स का अगर रिवैल्यूएशन कर रहे हो आप, ठीक है ना, एसेट्स का क्या कर रहे हैं आप, रिवैल्यूएशन। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है ना, अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट क्यों जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, क्या है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां लिखते हैं आप, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, रिलेटेड एसेट्स में उठा के क्या कर दोगे आप, इसको ऐड कर दो। वैल्यू बढ़ी है तो जितनी वैल्यू बढ़ेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एसेट में ऐड हो जाएगी। फिर देखो अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है आपका, और लॉस कहां जाता है, डेबिट में।
ध्यान रखो कि बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट्स में से लॉस को क्या कर देंगे आप, रिलेटेड एसेट में प्रॉफिट होगा तो ऐड करो, लॉस होगा तो माइनस करो। बात समझ में आ रहा है? प्रॉफिट प्रॉफिट है, वैल्यू बढ़ रही तो प्रॉफिट है, वैल्यू कम हो रही तो क्या है? इधर देखेंगे रीवैल्यूएशन हो रहा है लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, और लॉस क्या होता है? बैलेंस शीट में क्या होगा, रिलेटेड एसेट में उसको उठा के ऐड कर दोगे। पहले कम पे करना था, 10,000 पे करना था, 15 पे करना है, 15 पे करना है, लाइबिलिटी बढ़ी ना। फिर ध्यान रखो अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में क्या करोगे, रिलेटेड लाइबिलिटी में से इसको लेस कर दोगे। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है, किसी प्राणी मात्र को दिक्कत है तो बताएं हमको। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम पूछ रहे हैं सबसे। चलो हम लोग बात कर रहे थे एडमिशन में क्वेश्चन नंबर 54, नई वाली बुक उठाओगे आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। ठीक है, चलो सब लोग देखोगे इधर। देखो पार्टनर कौन है, चारू एंड दीपिका, सी से चारू, दी से दीपिका। ठीक है, देखोगे प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या है इनका, 3:2। एक चीज और देखना है इसमें, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो भी दिया है 4:3:2, है ना। अब देखो ईसा एडमिट हो रही है, ईसा एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, ईसा का शेयर इसमें इंक्लूड हो गया है, टोटल कितना है, 9 है। आगे देखोगे आप बैलेंस शीट क्या डिस्क्लोज कर रहा है, बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व कितने का दे रखा है, 1,20,000 का। पीएल का बैलेंस कितना दिया है, 40,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दे रखा है उसने, 60,000 का। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे। फिर वो कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने के बच्चे, 2,00,000 के। ठीक है ना, यहां पर ध्यान दीजिए, बात अगर करना है तो आप लोग बाहर निकल जाइए। उसके आगे देखोगे तीन बातें दिया है, ईसा 3,00,000 की कैपिटल लाती है, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अपने प्रीमियम का शेयर भी कैश में लेके आती है। गुडविल जो फर्म की वैल्यूड हुई है 180,000। और तीसरी बात क्या है, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का, वो कितने का है, 2,30,000। ठीक है, तो आइए फिर इसी के साथ इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारी बातें लिखे नहीं, बाकी बात आप बुक से देखोगे। ठीक है, सबसे पहले जो बात हम लोग यहां करेंगे, सैक्रिफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, दीपिका का और चारू का ओल्ड रेशियो सबसे पहले आप यहां पर पुट कर लोगे, ये 3/5 है आपका और ये आपका 2/5 है। न्यू रेशियो जो देखोगे आप, ये आपका 4/9 है और ये आपका 3/9। ठीक है, 9/5 जा कितना होता है, 45 एलसीएम आ गया इसका, 5/9 जा 45, 3/9 जा 27, माइनस 9/5 जा 44, 5 जा 20।
ये आ गया आपका 7/45, यहाँ का भी एलसीएम आपका 45 आ गया, 5 9 45, 2 9 18, -9 5 45, 3 5 15, तो ये आ गया आपका 3/45। तो हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है वो 7:5 आ गया, सॉरी 7:3। ठीक है यहां तक, ये पहला कैलकुलेशन हमारा हो गया। दूसरा देखोगे गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,80,000 है ना। ईसा का शेयर इसमें कितना आ रहा है देखोगे, 1,80,000 इंटू 2/9 कितना आ गया बेटा हमारा, ये 40,000। तो ये दो बातें आप नोट कर लो पहले फटाफट, क्या कर रहे हो। चलो देखो इसके आगे, ईसा कितना कैपिटल लेके आ रही, एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसास कैपिटल अकाउंट, चेक करो कितनी कैपिटल लेके आई, 3,00,000 रुपए, और प्रीमियम का पैसा कैश में लेके आई, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने, 40,000, टोटल कितना हो गया, 3,40,000 रुपए पहली एंट्री होगी तुम्हारी। फिर दूसरी एंट्री क्या पास होगी हम लोग की, लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना, 40,000 रुपए, टू कौन कौन है, चारू, 30 कैपिटल अकाउंट एंड दीपिका, 30 कैपिटल अकाउंट है ना। तो ये आपका आ गया 28,000 रुपया और ये आ गया आपका 12,000 रुपया। पहले ये दो एंट्री आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर, इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे इसका बुक वैल्यू कितना है, 2,00,000, इसका मार्केट वैल्यू कितने का है, तो हमको 30,000 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हुआ ना, वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा कितने का है, ये भी प्रॉफिट है। इन दोनों को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आ जाइए, चलिए बताइए फिर एंट्री क्या पास करेंगे पहले हम लोग। पहला एंट्री जो पास होगा वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूड हुआ है तो प्रॉफिट हमको कितने का हो गया, 30,000 का, ठीक है ना। फिर बी में एंट्री क्या पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू चारू एंड टू दीपिका, तो 30,000 रुपए को आप ओल्ड शेयर में डिवाइड कर देंगे, इसका आ जाएगा आपका 18,000 और इसका आ जाएगा आपका 12,000। यहां सीज और डीज कैपिटल अकाउंट आप लिख लेंगे, आगे बढ़ोगे एक एंट्री आपकी जो होगी तीसरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व कितने का बेटा हमारा, 60,000 का, टू चारू एंड दीपिका है ना। तो कितना आ गया यहां पर, 36,000 आ गया और ये आपका 24,000 आ गया है। यहां तक आप इसको नोट कर लेंगे, यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम बताए, 3:2 के रेशियो डिवाइड होगा ना, तो कितना आएगा,
रुक जाओ, कॉपी चेक हो रही सबकी, कहाँ की हो दिखा दो। चलो 55 में देखो, एबीसी तीन पार्टनर है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। यहां पर देखो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, एनपीएसआर है ना, देखोगे डी आया है कितने शेयर के लिए, डी आया है 1/4 शेयर के लिए। अब यहां पर देखो ऐसे केस में आप क्या कर रहे थे, मान ले रहे थे टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, एक है, रिमेनिंग शेयर कितने हैं हमारे, 1 - 1/4 कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है ना। अब आप अगर देखें ए बी सी, ए का शेयर कितना दिया है उसने 2/5, बी का शेयर 2/5 और सी का शेयर क्या है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/4, 3/4 और 3/4। डी का शेयर आपको पता ही कितना है, 1/4 है ना, कितना आ गया ये आपका 6/20, यहां पर भी कितना आ गया आपका 6/20, ये कितना आ गया 3/20, यहां पर भी क्या आना चाहिए आपका 20 आना चाहिए कि नहीं, किसका मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, 5 का, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया आपका ये 5/20, ठीक है ना। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो का, ठीक है ना। तो ध्यान दो, सैक्रिफाइजिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, इनका भी क्या है 2/5 और इनका क्या है 1/5, माइनस कर दे आप न्यू रेशियो 6/20 और यहां पर 3/20, यहां का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया कि नहीं आ गया, 5/4 = 22/4 = 8 - 6 कितना आ गया आपका 2/20, यहां का भी एलसीएम कितना है 20 है, 5/4 = 22/4 = 8 - 6 कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 2/20, और इधर भी एलसीएम कितना है 20 5/4 = 21/4 = 4 - 3 1/20। वैसे भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर केस नंबर 1 को डील कर रहे हो तो आपका जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा आपका सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो यहां पर जो आपका सैक्रिफाइजिंग रेशियो आया वो कितना है 2:2, 2:1, ठीक है, नोट कर लो। यहां तक हो गया, चलो देखो भाई यहां पर आपको जनरल एंट्री पास करनी है, किसकी पास करनी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। आप जरा क्वेश्चन पढ़िए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस उसमें चेक करिए। तो जो पहली एंट्री होगी अगर आप देखो, जनरल रिजर्व है कि नहीं है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। तो देख लो जनरल रिजर्व 40 का है, 35 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। एक चीज देख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, कितने का ये रिजर्व 10,000 का है। बगल में देखो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू। अगर आप देखें
मार्केट वैल्यू कितनी है 32, बुक वैल्यू कितनी है 40, डिफरेंस कितने का आ गया, लॉस कितने का आ रहा है, 8000 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें से हम लोग 8 माइनस कर दें, अभी भी प्रॉफिट बाकी कितने का है, 2000 का बाकी है कि नहीं। तो ध्यान रखो यहां पर लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने का, 2000 का, टू कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी, पीएसआर रेशियो क्या है 2:1, बताइए कितना आएगा टोटल अगर कर लो 77 आ रहा है, तो इधर आ गया आपका 30,800 15,400, ये पहली एंट्री होगी आप ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, ठीक है। उधर का वर्किंग नोट भी देख सकते हो, ये तुम आगे बढ़े, दुनिया कैसी आगे बढ़ी है, कहता है रुके रही। दूसरा एंट्री जब करोगे तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है ना 20,000 है, तो इसका 8 और इसका कितना आ गया 4000, ठीक है। नोट कर लो ये एंट्री होनी थी इसमें, ठीक है ना। विमल और निर्मल एनपीएसआर दिया क्या, बधाई हो आप लोगों को, आप लोग अच्छा काम किए थे पूर्व जन्म में, इसलिए आपको अच्छा एक स्टेप कम हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पर एनपीएसआर क्या है, पता है आपको कितना है, 2:1:1। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेकेंड नंबर पर कैलकुलेट करोगे एसआर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप देखें बिमल का और निर्मल का निकाल लें, बिमल का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, निर्मल का 2/5, माइनस कर दिया आपने 2/4 और 1/4, तो 20 आ गया एलसीएम, 5 4 23 4 12 माइनस 4 5 22 5 10, ये आपका आ गया 2/20। इसका भी एलसीएम 20 आ गया, 5 4 22 4 8 माइनस 4 5 21 5 5, ये भी आ गया आपका 3/20। तो हमारा यहां पर अगर आप चेक करो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 2:3 आ गया, कोई दिक्कत आपको इसमें, चलिए आगे बढ़िए। उसने कैपिटल दिया आपको 40,000 रुपए और गुडविल दिया 20,000 रुपए, क्या करना है इसमें आपको पास करना है जनरल एंट्रीज, एंट्री पास करना है इसमें और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो फिर मैं आपको बताऊं, चलो अच्छा देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब ध्यान से देखना रिवैल्यूएशन, चलो भाई लिख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो पहला पॉइंट उसमें पढ़ोगे ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 कैपिटल 20,000 प्रीमियम, ये काम हो गया। दूसरा देखोगे एनपीएसआर बता दिया, ठीक है,
तीसरे में लिखा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस की गई है, तो यहां पर लिख लो आप टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कितनी रिड्यूस करके लाई गई है 35, पहले प्लांट और मशीनरी कितने का था 50 का, अब 35 का हो गया है, तो आपको लॉस कितने का हो गया यहां पर 15,000 का। ठीक है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। स्टॉक को 10% से यहां पर लिखो आप टू स्टॉक, स्टॉक देखो बेटा कितने का है 40,000 का, 40,000 का 10% निकाल लीजिए आप, कितना आ गया ये 4,000। फिर प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन क्रिएट करो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितने के 1,000 के। तो यहां पर देखो डेबिट में टोटल कितना आ गया आपका 20,000, तो यहां पर जो लॉस आ रहा है आपका वो कितने का आ गया 20,000 का। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। बिमल और निर्मल में ये डिवाइड हो जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा 3:2 में, तो ये 12,000 हो गया हमारा और ये 8,000 हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओ, सबसे पहले देखोगे यहां क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीटी, हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी। तो आप देखेंगे बिमल की जो कैपिटल है वो कितने की है 60,000 की, निर्मल की कितने की है 32,000 की। ठीक है, उसके बाद देखो बाय बैंक अकाउंट, नया पार्टनर जो है तुम्हारा कैलाश वो कैपिटल कितना लेके आता है 40,000। ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या है आपका भी 2:3 आया कि नहीं आया, तो 20,000 को आप डिवाइड कर दो 2:3 में, तो यहां पर आपका आ जाएगा 8,000 और यहां पर आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, उसके बाद आप देखो पीएल का भी बैलेंस दिया है, यहां पर बैलेंस शीट अपनी देखिए, पीएल अकाउंट का जो बैलेंस हो रहा है 20,000 सो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आ गया आपका 12,000 और ये आ गया आपका 8,000, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका जो रिवैल्यूएशन है वहां से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो लॉस तो यहां आएगा उधर जाएगा भाई, हम लोग को पता नहीं था ना, तुमने बता दिया ध्यान में। चलो गुडविल देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में दी है कि नहीं दी है, कितने की है गुडविल 10,000 की है, यहां पर 6,000 और यहां पर 4,000, 2 रीवैल्यूएशन देखें आप यहां 12 और यहां 8। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। ये टोटल हमारा कितना आ गया 80,000, ये 52,000 आ गया और ये आपका 40,000 आ गया, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए, इधर आपका 80, 52 और 40। ठीक है, 80 में से
18 माइनस हुआ कितना बच गया यहां पर 62, ये हमारा हो गया 2 बैलेंस सीडी। 52 में से 12 माइनस करो इधर कितना आ गया 40 और इधर भी कितना आ गया 40, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। यहां तक चलो नोट कर लें, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी यहीं पर होगी। अच्छा,